ठीक है जी, शुक्रिया। ओ ओ भजन, हेलो, क्या कर रहे हैं यार? फ्यूल वाले, उसको मैं छेड़ा था गेज को, मेरे ख्याल में मुझसे फ्यूल बंद हो गया। ऐसे ऐसे ऑन होना चाहिए। चशा बश, ख़त्म ना हुई प्लीज़। मैं धक्का नहीं लगा सकता तुझे। किंग कॉन्ग, प्लीज़। व्हाई इज़ ही स्टॉपिंग मी? हेलो बॉयज़ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज से कुछ साल पहले मैंने बहावलपुर से लाहौर की तरफ एक सफ़र किया था होंडा गोल्डविंग के ऊपर। होंडा गोल्डविंग आपको पता है कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोडक्शन बाइक है अपने साइज वाइज। तो मैं सोच रहा था यार, मैं अब ऐसे कौन से बाइक के ऊपर सफ़र कर सकता हूँ कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग हो। तो वो बाइक मैं ले आया हूँ और वो है ये। इट्स अ स्मॉलेस्ट प्रोडक्शन बाइक दैट इज़ रोड लीगल। और बॉयज़, इट्स अ मंकी बाइक। इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इस बाइक के अंदर इंजन कौन सा है, इसकी फ्यूल एवरेज कौन सी है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जब हम रोड के ऊपर निकलेंगे। जब मैं इस वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था तो मेरे माइंड के अंदर बहुत सारी बातें चल रही थी। राइक, इसका साइज़ बहुत छोटा है, मैं जब रोड के ऊपर जाऊँगा तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा, जब ट्रक्स वाले जा रहे होंगे तो पता नहीं मैं उन्हें नज़र भी आऊँगा कि नहीं। अभी भी मैं इस टाइम एक फ्यूल स्टेशन पर रुका हुआ हूँ, 15 से 20 लोग वो सब सिर्फ इस बाइक को देख रहे हैं कि बाइक क्या चीज़ है, स्टार्ट कैसे होता है, और उनके जहन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं और आपके माइंड में भी चल रहे होंगे। इंशाल्लाह उन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं रास्ते में साथ साथ आपको दूंगा। तो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स लाहौर। इट्स अ 450 किलोमीटर्स जर्नी ऑन अ मंकी बाइक। होपफुली हमारी बहुत सारी मेमोरीज बनेंगी आज और हमारा सफ़र भी अच्छा गुजरेगा। सो लेट्स गो ऑन अ राइड बॉयज। सो बॉयज, फर्स्ट फ्यूलिंग करवाने लगे हम यहाँ से। गियरों की अभी इतनी समझ नहीं आ रही मुझे, मगर खैर है, आहिस्ता आहिस्ता समझ लगती है चीज़ों की। जी कितना चल गया अभी तक? बड़ा टैंक है यार इसका। अच्छा जी, ये हमारा फ्यूल डला है हमारे किंग कॉन्ग में 1909 का, मतलब इट्स अबाउट 8 liters। थोड़ी थोड़ी मुझे ठंड भी लग रही है, मगर अल्लाह का शुक्र है सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आज थोड़ा सा सनी वेदर है, तो मुझे ज़्यादा मसला नहीं हो रहा। अभी तक मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसमें टोटल गेयर कितने हैं, तो ये भी हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। मगर बॉयज, इट्स अ 110 cc मंकी बाइक, क्योंकि ये मंकी, इसको ये असल में होंडा का बाइक आता है जिसको होंडा मंकी बाइक बोलते हैं। ये उसका काइंड ऑफ रेप्लिका है। और ये जो बाइक है इसका उन्होंने नाम दिया हुआ है गोरिल्ला बाइक, तो मैंने इस बाइक का नाम रखा है किंग कॉन्ग। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मंकी एंड गोरिल्ला, तो मैंने सोचा कि इसकी ब्रीड को ना चेंज किया जाए, तो इसका नाम मैंने रख दिया किंग कॉन्ग। सो हम लोग किंग कॉन्ग के ऊपर जा रहे हैं लाहौर, और आप भी मेरे राइट हैंड देख रहे हैं, हर बंदा मुझे मुड़ मुड़ के देख रहा है। ये चीज़ ही ऐसी है। अच्छा, इस टाइम ये जो इसका ऑडोमीटर है ये थोड़ा सा ख़राब है, मगर इसके मुताबिक मैं इस टाइम 60 km/h के ऊपर जा रहा हूँ। नीचे जो माइलेज वाला मीटर वाला है वो भी वर्क नहीं कर रहा, मगर सफ़र हमने अपना शुरू कर दिया है। और जो फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे थोड़ा सा आ रहा है वो ये है कि बाइक जो है उसको ध्यान से चलाना होगा। ये नहीं कर सकते कि आप अपना आपका ध्यान कहीं और हो, जैसे आपको थोड़ी सी विंडो मिल जाती है बड़े बाइक्स के ऊपर। ये इतना फॉरगिविंग बाइक नहीं होगा। छोटे टायर्स हैं इसके और लेंथ भी बहुत शॉर्ट है, तो इसको हाथ छोड़ के तो आप बिल्कुल नहीं चला सकते। तो कोई इतनी मुझे कोई बस वाले और ट्रक वाले इज़्ज़त भी नहीं दे रहे। सारे कट्स मार के जा रहे हैं।
मगर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी हम पहुंच जाएंगे। अभी ये मैं लोधरा तकरीबन पहुंचने वाला हूँ। नेक्स्ट 4-5 किलोमीटर्स में लोधरा जो मेन राउंड अबाउट है उस पर होऊंगा मैं। बॉयज कोई एक कार, एक बस, एक ट्रक भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने मुझे मुड़ के ना देखा हो। तो व्हाई इज ही स्टॉपिंग मी? व्हाट द हेल? ये बच्चे के लिए है ना? हाँ जी। कितने का मिला है ये? 2 लाख का। 2 लाख का? कहाँ से? पिंडी से। पिंडी से लिए? जी। वो भाई मुझसे पूछ रहे थे कि आपने बच्चे के लिए लिया है, मैंने कहा हाँ जी, और वो बच्चा मैं हूँ, मैं किसी को क्या बताऊँ कि मैंने मंकी बाइक अपने लिए ली है। गियर कहाँ गए? अच्छा मैं आप लोगों को बता रहा था कि बहुत रोड प्रेजेंस है यार, बिल्कुल ऐसा रिएक्शन तो मुझे गोल्ड विंग के ऊपर मिला था। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा स्पीड के बारे में बता रहा था कि ये देखें इस टाइम ऑडोमीटर के मुताबिक, आई नो कि ये सही वर्क नहीं कर रहा, मगर मैं चलो अपने आइडिया के मुताबिक बताता हूँ कि मैं इस टाइम 50 या 60 किलोमीटर के राउंड अबाउट फेर रहा हूँ। और पता नहीं कौन सा गियर, आई थिंक इसके अंदर 3 या 4 गियर्स हैं, अभी तक मैं ये पता नहीं चला सका। मगर ये है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है इस बाइक के ऊपर। मगर अगर देखो मैं इसको थ्रॉटल दूंगा ना, चेकिए ये अपनी स्पीड बढ़ा रहा है और ये 100-110 तक भी जाएगा, मगर मैं रिस्क नहीं ले रहा। मैं क्यों रिस्क नहीं ले रहा कि यार अकेला सफ़र करना है और किसी जगह पे भी अगर ये ख़राब हो गया तो आई विल गेट स्टक। तो क्योंकि ये मेरा इस बाइक के साथ पहला एक्सपीरियंस है, पता नहीं रिलायबल है नहीं है, और अगर कहीं रुक गया तो मैं क्या करूँगा, तो इसलिए बस एक नॉर्मल स्पीड में चलते हैं। मज़े की चीज़ मैंने अभी तक इस बाइक में नोट की है वो इसकी सस्पेंशन और सीट है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा, और सस्पेंशन भी उतनी बुरी नहीं है जितनी मैं सोच रहा था। मैं समझ रहा था कि बिल्कुल ही हार्ड होगी, उन्हें तवज्जो नहीं दी होगी सस्पेंशन की तरफ, मगर नॉट बैड, मतलब इस बाइक के लिहाज से इट्स गुड। ये थोड़ी बम्पी रोड आ गई है, सस्पेंशन चेक होने वाली, थोड़ी सी हैंडल बार के अंदर वाइब्रेशन है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी है इस बाइक के लिहाज से। सीट के अंदर इतनी नहीं है मगर हैंडल बार, फ्रंट सस्पेंशन जो है ना वो थोड़ी सी कमज़ोर है, बैक वाली ठीक है, बैक से कोई बॉडी के अंदर इतनी वाइब्रेशन नहीं आ रही। अच्छा जी थोड़ा सा अब आपको बाइक के बारे में बता देते हैं। बॉयज इट्स अ 110cc बाइक और ये इसके अंदर पेट्रोल डलता है, ये चार्ज नहीं होता, ये चार्जिंग वाला बाइक नहीं है। लोगों के सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है। फ्रंट इसकी डिस्क ब्रेक है और बाइक अच्छा है बॉयज़ इसके अंदर, मतलब इंडिकेटर वगैरह भी इसके काम कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। फ्रंट इसकी हाई बीम लो बीम है और दैट्स इट। और इसका सेल्फ स्टार्ट भी है और किक भी है इसके अंदर, हॉर्न भी है ना होने के बराबर। खाने वाल जो नॉर्मली हमें टाइम लगता है, अगर हम बाइक्स पे हों तो फिर तो शायद हम 35-40 मिनट्स में भी पहुंच जाते हैं सुपर बाइक्स के ऊपर, और अगर हम कार पे हों तो हमें तकरीबन राउंड अबाउट 1 आवर लग जाता है, और आज मुझे लगे हैं ऑलमोस्ट 2 आवर्स। स्पीड मैंने अपनी वही 70 मेंटेन की है। आपको पता है इस स्पीड के ऊपर कोई ब्रेकिंग तो होती नहीं है, तो ऐसे ही मैं जाई जा रहा हूँ। तो 2 आवर्स लगे हैं, पहुँच गए जी खाने वाल। अभी खाने वाल के बाईपास में हूँ, अभी भी तकरीबन 3-4 किलोमीटर्स खाने वाल है। यहाँ से मैं एक ब्रिज क्रॉस करूँगा क्योंकि मुझे जीटी रोड से जाना है, उसके बाद फर्स्ट हमारा टोल प्लाज़ा आएगा, और टोल प्लाज़ा क्रॉस करने के बाद हम अपना जीटी रोड का सफ़र, जीटी रोड तो नहीं बोलना चाहिए इसे, नेशनल हाईवे का सफ़र हम अपना इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। थोड़ा सा ट्रक्स को ओवरटेक करना थोड़ा सा फनी होता है इतने छोटे से बाइक पे,
सब हंस रहे होते हैं देख के। वेरी नाइस और अभी मैं ये 50% थ्रॉटल पे जा रहा हूँ, 50% कोई जोर नहीं लगवा रहा मैं इस बाइक का क्योंकि मैंने रेस्ट नहीं लेना, आपको बताया था स्मूथली जाना है, स्मूथली जाना है। ओ ये भाई लोग टिकटॉक बना रहे हैं देखें, ये जी खाने वाल टोल प्लाजा आपका भाई क्रॉस कर रहा है। अभी यहाँ पे मैं एक ब्रेक भी लगाता हूँ, थोड़ा सा कमर को सीधा करते हैं, टांगे शांगे सीधी करते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जैसे आप अनकंफर्टेबल किसी बाइक पे बैठे हो, आपको बैक एक शुरू हो जाए या नी पेन, कुछ भी नहीं, फिट जा रहे हैं, फिट जा रहे हैं। दो लाख प्राइस पूछ रहे हैं सब, इंटरेस्टिंग। गाइस मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि जो अपनी मेन साइड है वो ये लेफ्ट साइड रखूँ, राइट साइड से मैं ट्रक्स को ओवरटेक करता हूँ तो पीछे से कार्स काफ़ी स्पीड में आ रही होती हैं तो थोड़ा मसला होता है, फिर वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। मेरी तो खैर है, मैं तो स्लो स्लो जा रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ जो एस्टेब्लिश हो गई है वो ये है कि इसके चार गियर हैं, टोटल चार गियर हैं। फोर्थ गियर के अंदर थोड़ा सा ये कंफर्टेबल हो जाता है, थ्रॉटल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, इंजन नॉइज़ थोड़ी सी कम हो जाती है। इंजन नॉइज़ वैसे चारों गियरों में ही है, आपको ये फील हो रहा होता है कि बाइक का जोर लग रहा है, छोटा बाइक है ना, फिर ऊपर 70-75 kg वेट भी है। सुबह मैं तकरीबन 6 बजे का चला हुआ हूँ और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो कोई मुझे अगर अच्छी जगह नज़र आती है, कोई रेस्टोरेंट ऐसा जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया जा सके तो वहाँ मैं रुक के ब्रेकफास्ट ज़रूर करूँगा। बॉयज़ चीचावतनी मियाँ जनू क्रॉस करते हुए कोई मुझे ऐसी जगह नहीं नज़र आई जहाँ पे मैं तसल्ली से रुक के खाना खा सकता था। फिर वहाँ से साहिवाल जो था वो मुझे एक बोर्ड नज़र आया कि 71 किलोमीटर है। भाई आपका टॉप ओ टॉप आया है। अच्छा इसकी टॉप स्पीड भी आपको बता दूं कि ये 100-110 तक जा रहा था, भाई ने खींचा फिर थोड़ा सा। अब इस टाइम जी मैं साहिवाल के पास हूँ, साहिवाल इज़ ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स अवे और मैंने सोचा कि फिर थोड़ा सा बाइक को खींचते हैं और एक ही बार साहिवाल चल के कुछ खाते हैं, कुछ KFC से, KFC क्योंकि मेन बाईपास पे है वहीं से ही खा लूँगा। अच्छा मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं शाम होने से पहले लाहौर पहुंच जाऊं, तो अगर मैं शाम होने से पहले लाहौर पहुंच जाता हूं तो बेस्ट हो जाएगा। अभी इस टाइम 12 या 12:30 हो रहे होंगे दोपहर के और मैं ओ भजन हेलो क्या कर रहे हैं यार, मेन रोड के ऊपर ब्रेक लगा दिए। तो अभी 12:30 हो रहे हैं और मैं साहिवाल पहुंच चुका हूं। आगे जो मेरा सफ़र है वो तकरीबन 160 किलोमीटर मेरे ख्याल में रह गए क्रॉस करने हैं हमने ओकाड़ा पत्तों की और उसके बाद इंशाल्लाह लाहौर। तो अभी भाई फुल प्रोटोकॉल में जा रहे हैं, आसपास बाइक से आ रहे हैं हमें देख। ये पता है क्या हुआ है, फ्यूल वाले उसको मैं छेड़ा था गेज को, मेरे ख्याल में मुझसे फ्यूल बंद हो गया, ऐसे ऐसे ऑन होना चाहिए। चशा बश ख़त्म ना हुई प्लीज़, मैं धक्का नहीं लगा सकता तुझे किंग कॉन्ग, प्लीज़ स्टार्ट हो जाइए यार। यस बेबी गुड शाबाश, किंग कॉन्ग जी लव है, किंग कॉन्ग को हम रखेंगे अपने पास, इसके ऊपर एंजॉय करेंगे, इसके ऊपर और भी व्लॉग्स बनाएंगे, शहर में व्लॉग्स बनाने में तो और मज़ा आएगा। अभी तो हाईवेज पे थोड़ा सा ये होता है ना कि आसपास से लोग गुजर रहे हैं, वो जल्दी में होते हैं, हर कोई अपने काम जा रहा है,
और हाईवे पे ब्रेक लगाना भी मुश्किल है, मेरे लिए रुकना भी मुश्किल है क्योंकि मैं एक ही पेस में जा रहा था। तो जब हम शहर जाएंगे, लाहौर में भी इसे चलाएंगे, भावलपुर में भी, तो किंग कॉन्ग के साथ बड़ा शुगर लगेगा। गुड राइड, शाबाश। मजा आ गया। तकरीबन अब 2 लाख की है जी। 2 लाख की जी, 1.5 की कीमत की है तकरीबन। हाँ, उतने की है। डबल सवारी तो नहीं होती होगी, सिंगल ही है। बच्चा वगैरह कोई हो तो बैठ जाएगा, सीट थोड़ी छोटी है। मैंने कहा जी आप लोगों को चेक करवा दूं कि इस पे बंदा बैठा हुआ कैसा लगता है, स्टार्ट कैसे होता है, क्या सारा सीन। ये इसकी की है जी, की अंदर लगाई, उसके बाद सेल्फ स्टार्ट, ये बाइक स्टार्ट हो गया, ठीक है। और गियर उसी तरह जिस तरह कन्वेंशनल गियर होते हैं, 4 गियर हैं इसके टोटल, चारों आगे की तरफ लगते हैं। और ये मैं एक चक्कर लगा के आ रहा हूँ, तो ज़रा चेक कीजिएगा बाइक को कैसा लग रहा। और अगर आप इस पे व्हीली करना चाहें तो व्हीली भी हो जाएगी। मैं अभी नहीं कर रहा, मैंने इसको 1 पीस में लाहौर तक लेके जाना है, वहाँ जाके पंगे करेंगे इसके साथ। ले जी, ऑन टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज पत्तों की। ओकाड़ा पहले आएगा और फिर पत्तों की आएगा जी। ये बड़ी स्पीड में आ रहा है ट्रक। सीसी है जी ये 110। चल रहा है? अच्छा नहीं नहीं, पेट्रोल डलता है। हाँ जी पेट्रोल। ये जी 2 लाख दी। एक बंदे पास है, एक नाल बच्चा बैठ सकता है। अंकल जी, अंकल जी लाहौर। लाहौर? हाँ जी, लाहौर शहर। हाँ? तो हाँ जी, ठोकर तो हो के फिर अगे डिफेंस। अंकल जी हैवी सेल्फ स्टार्ट, देखो ना, वेरी गुड सेल्फ स्टार्ट। ठीक है जी, शुक्रिया। अंकल जी अच्छे से फिर अंकल के साथ जरा गपशप लगाइए, दुआएं दे रहे थे। ये पेट्रोल है, पेट्रोल 2 लाख। अच्छा मैंने नोट किया है कि दो लोगों के ना 2 मेजर क्वेश्चंस होते हैं, ये पेट्रोल है, चार्जिंग है, और दूसरा ये कि इसकी प्राइस क्या है। इवन ये भैंसे भी आप देख रहे हैं कि वो कितने गौर से देख रही हैं कि इस तरह का ऑब्जेक्ट हमने रोड के ऊपर जाते हुए अभी तक नहीं देखा। देखें तीनों कितने गौर से देख रही हैं, कौन है इतने से बाइक के ऊपर। वो इस ठंड अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शाम करीब आ रही है। लेट्स सी कि हम मगरिब से पहले पहुँच सकते हैं कि नहीं। ये इस जगह से मैं जब भी गुजरता हूँ आपको हमेशा बताता हूँ, ये बड़ी खूबसूरत जगह है, पत्तों की नर्सरीज है मेरे लेफ्ट और राइट साइड पे। अब जो स्पीड वाली जो ये है, ये अब बिल्कुल ही ख़राब होगी। इस टाइम बाइक इसके मुताबिक 120 पे जा रहा है, हालांकि हम होंगे 70-80 पे। बाकी बिल्कुल ओके है, कोई ऐसी टेंशन कोई परेशानी नहीं है, इंजॉय करते हुए जा रहे हैं अपनी राइड को टूवर्ड्स लाहौर। बड़ा मज़ा आ रहा है जी अभी तक तो।
We did it boys. King Kong जिंदाबाद. हम लोग ऑलमोस्ट इस टाइम लाहौर की एंट्रेंस पे हैं. ये मैंने अभी कुछ देर पहले 15 मिनट पहले बहरिया टाउन क्रॉस किया था. अभी मैं DHA EME सेक्टर क्रॉस कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ठोकर न्याज बेग से शहर में एंटर हो जाऊँगा. What an adventure. अगर कोई घर बैठा हो और वो ये सोच रहा हो कि एक मंकी बाइक के ऊपर उसे लाहौर जाना है तो उसका कभी भी दिल नहीं करेगा या कभी वो नहीं चाहेगा कि वो जाए. मगर मैंने सिर्फ ये मंकी बाइक इसी अपने लाहौर के एडवेंचर के लिए ये बाइक लिया और मैंने अपना वो शौक पूरा किया, अपना वो एडवेंचर पूरा किया. इस टाइम मैं लाहौर के अंदर एंटर हो रहा हूँ और आप यकीन नहीं कर सकते कि मेरी खुशी का क्या आलम है कि मेरा इस टाइम गला बिल्कुल खुश्क हुआ है, बिल्कुल खुश और फुल प्यास लगी हुई है. मैंने बस वही KFC खाया था जो साहिवाल से खाया था. अब तकरीबन 5:30 के करीब टाइम हो गया है. मुझे तकरीबन 9 से 10 घंटे लगे हैं लाहौर पहुंचने में. एंड में आके मेरी जो एवरेज स्पीड है वो राउंड अबाउट 90-100 इतनी मेरी एवरेज स्पीड थी और अब इस टाइम मैं लाहौर में एंटर हो रहा हूँ. व्हाट अ मेमोरी. ये भी हमारी मेमोरीज में एक मेमोरी एंटर हो गई है कि हम एक मंकी बाइक के ऊपर, किंग कॉन्ग के ऊपर हम लोग लाहौर पहुँचे हैं. यार लाइट ऑन है, कैसे ऑन होती है? आ हो गई. वाओ, दिस इज हाई बीम एंड दिस इज लो बीम बॉयज. CD70 वालों को आपके भाई ने टफ टाइम दिया हुआ इस टाइम. ब्रेकिंग इतनी अच्छी नहीं. DHA के अंदर आ गए ना, मेरे अंदर वो दोबारा ZS मोटो व्लॉग्स वाली रू आ गई है. ओह यस बेबी, ओह यस. पता लगे पिछले 400 किलोमीटर सुकून से करके आ गए हूँ, यहाँ आके किसी गाड़ी के नीचे आया पड़ो. वेरी नाइस बेबी, वेरी नाइस. यार ये ट्रैफिक में तो और मजा आ रहा है इसका. ये क्या दरमियान में लगा दिया. चल सबको जरा कॉल कर रहा हूँ, उनको कहता हूँ नीचे आए. चल सब नीचे आ जाए, नीचे. आया आया. पहली बात तो मुझे लगता चल साहब को यकीन ही नहीं आना कि मैं इस बाइक पे आया हूँ. देखते हैं क्या रिएक्शन होता है सनी भाई का. मुझे पता है ऑन कैमरा तो उनने हंसना है या जो भी, ऑफ कैमरा जो उनने मेरी क्लास लेनी है ना उसका अपना ही मजा होगा. We did it King Kong. We did it together. Angle ji. Ha 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 ha
चलता हूँ खुदा की कसम खुद मंकी सर निकला है तो मैं सुबह 6 बजे मैं निकला हूँ वहां से और याद है ये अभी कुछ हुआ है इसे सर बड़ी पावरफुल मशीन है ये बड़ी पावरफुल आपकी सोच है बल्कि आप चलाएंगे आपको भी मजा आएगा कैसे पता चलता था कि आगे बंदा मैं ट्रक लेन के अंदर था चौल साहब ट्रकों को ओवरटेक करता हुआ आपको पता है इसमें कौन सा इंजन है 110 ये 100 110 पे मजे से लेके आया अल्लाह की कसम सॉफ्ट सस्पेंशन आगे पीछे वाली फुल एंजॉय करके आया हूँ यार खुदा का नाम ले यार फुल एंजॉय यार तू किसी के नीचे नहीं आ गया ट्रक वाले को तो पता भी नहीं चलना था कि नीचे कोई आई है चीज़